छत्तीसगढ़ के 8 तहसीलों में गंभीर सूखे के हालात, सूखा ग्रस्त घोषित हो सकती है इतनी तहसीलें। सीएस ने कलेक्टरों से मांगे प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ की 28 तहसीलों में चालू वर्षा मौसम में 1 अगस्त की स्थिति में 60% से कम बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में राज्य की 28 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित की जा सकती हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने संबंधित कलेक्टरों से औपचारिक प्रस्ताव मंगाए हैं। बताया जा रहा है कि वर्षा आंकड़ों के आधार पर जो शुरुआती आकलन सामने आया है उसके मुताबिक 8 तहसीलों में गंभीर सूखे की स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बीते सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टरों की बैठक ली। बैठक में प्रदेश में बरसात की स्थिति की समीक्षा हुई। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को औसतन से कम बारिश वाली तहसीलों का राहत मैनुअल 2022 के प्रावधान के अनुसार फसलों का राजस्व कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के माध्यम से नजरी आकलन कराने के निर्देश दिए। बताया गया कि प्रदेश के 9 जिलों की 28 तहसीलों में 60% से भी कम वर्षा हुई है। इनमें से 8 तहसीलें ऐसी हैं जहां 40% से भी कम बारिश हुई है, यानी कि इन तहसीलों में सूखे की स्थिति गंभीर है। मुख्य सचिव ने कहा कि औसतन से कम बारिश वाली 28 तहसीलों में राहत कार्य शुरू कराने के लिए तत्काल कार्य योजना भी तैयार की जाए। उन्होंने ऐसा तहसीलों के फसलों का नजरी आकलन कराकर सूखा घोषित करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर औपचारिक प्रस्ताव भिजवाने का निर्देश दिया। सूखा ग्रस्त की सूची में सरगुजा, अंबिकापुर, मैनपाट, सीतापुर, सूरजपुर, लटौरी, बलरामपुर, कुसुमी, वाड्रफनगर, जशपुर, दुलदुला, पत्थलगांव, सन्ना, कुनकुरी, कांसाबेल, रायपुर शामिल हैं। इस साल इन तहसीलों में 40% पानी भी नहीं बरसा, जिसमें सरगुजा, लूंड्रा, दरीमा, बतौली, सूरजपुर, प्रतापपुर एवं बिहारपुर शामिल हैं।